सो हियर सब गाइस हर्षिन बैक विद अ वीडियो। सो गाइस क्या आपने वो फोटोज देखी हैं जो काफी ज्यादा कूल लगती है देखने में, जिनमें आपने कुछ देखा होगा पीछे लाइट से लिखा होता है। सो गाइस आपने कभी सोचा होगा कि वो कैसे होती हैं? जब मेरे को ये चीजें नहीं पता थी, मैं सोच रहा था कि ये सिर्फ ये सारी चीजें कैमरा ट्रिक्स होती हैं, और सॉरी ये कोई कैमरा ट्रिक नहीं थी। सो गाइस जब मैं छोटा था, जब मेरे को इनके बारे में पता नहीं था, तब मैं सोचता था कि सारी चीजें होती हैं कंप्यूटराइज ट्रिक्स की वजह से, बट नाउ मुझे पता चल चुका है चीजें कैसे होती हैं। सो गाइस अगर आपको पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन देखनी है इसके बारे में कैसे होता है, आप मेरे पास एक सेपरेट वीडियो है शटर स्पीड के बारे में, आप उसको देख सकते हैं। तो जब आप एक फोटो खींचते हैं, आप अपना शटर साइज कर देते हैं काफी ज्यादा बड़ा, लेट्स से अराउंड 30 सेकेंड्स, एंड 30 सेकेंड्स के लिए शटर खुला रहता है, जो भी मूवमेंट कैमरा के आगे हो रही होती है वो उसको कैप्चर करता रहता है और एक फोटो में कन्वर्ट कर देता है। तो हम अपने कैमरा की स्पीड को 30 सेकेंड्स पर रख देंगे एंड यहाँ पर कुछ लाइट के साथ लिखेंगे, एंड उसके बाद जो फोटो आएगी दैट विल बी इनक्रेडिबल। सो गाइस नाउ लेट अस क्विकली गेट स्टार्टेड। तो मैं सारी लाइट्स ऑफ कर देता हूँ अभी यहाँ पर, और जो ये वाली लाइट जल रही है मैं इसको भी ऑफ कर देता हूँ, एंड मैं अपने कैमरा को थोड़ा पीछे रख देता हूँ। ऑलराइट गाइस, वो इतना डिस्टेंस सही है। एंड गाइस नाउ लेट मी जस्ट क्विकली पॉज दिस वीडियो, पॉज करके आपको दिखाता हूँ कि आपको अपने कैमरा में कैसी कैसी सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। अगर आपके पास एक निकॉन का कैमरा है तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता होगा, एंड ऊपर आपके पास एक डायल होता है। सो आप इस डायल को क्लिक कर देंगे, मतलब डायल को सेट कर देंगे एस पर, एंड यहाँ पर आप शटर स्पीड अपनी अरेंज करेंगे इस कुछ इस वाले डायल के साथ। सो गाइस यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं शटर स्पीड हो रही है एडजस्ट, ये है 3 सेकेंड, 2 सेकेंड्स, 1/16 ऑफ अ सेकेंड। सो इसको हम कर देंगे मैक्सिमम, जो कि है 30 सेकेंड्स पर। ऑलराइट गाइस, सब्जेक्ट इज टू ब्राइट, वी डोंट केयर, जो एरर आ रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार मैं लाइव देख लूँ मेरे को क्या दिखाई दे रहा है सामने। ऑलराइट गाइस, तो कुछ डार्क इमेज आ रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने शटर स्पीड कर दी है काफ़ी ज़्यादा हाई। एंड गाइस अब मैं अपना फ्लैश ऑन करता हूँ अपने कैमरे का, एंड वीडियो स्टार्ट करके रखता हूँ। सो गाइस मेरी अभी ये वाली लाइट भी जल रही है, मैं इस लाइट को भी फटाफट ऑफ कर देता हूँ, और ये वहाँ से ऑफ होती है। अपनी चेयर को भी साइड कर देता हूँ ताकि मेरे को यहाँ पर आने में कुछ प्रॉब्लम ना हो। ये मैंने कर दी लाइट, और जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा शटर बटन को, मैं जाऊँगा फटाफट कैमरा के आगे इधर, एंड मेरा फ्लैश क्योंकि ऑन है, मैं यहाँ पर इन हवा में टाइप करूँगा हर्ष, मतलब राइट करने की कोशिश करूँगा HARSH। सो गाइस मेरे पास कोई थर्ड कैमरा नहीं है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, बट शायद सबको समझ आ गया होगा कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो गाइस ये मैंने करा कैमरा को ऑन, 30 सेकेंड जैसे कि आप देख सकते हैं शटर स्पीड है। ऑलराइट गाइस, सो फटाफट मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ H, ये मैंने करा A, इधर मैंने करा R, ये हुआ S, ये हुआ H। अब मैं पूरा एक सर्कल बनाने की कोशिश करता हूँ, ये मैंने बना दिया सर्कल, और नीचे एक अंडरलाइन करता हूँ, दे यू गो। सो गाइस 30 सेकेंड्स की मैंने शटर स्पीड शायद से थोड़ी ज़्यादा कर दी है, 30 सेकेंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सारा काम अराउंड शायद 10 सेकेंड्स में हो गया। तो अगर शटर स्पीड 10 सेकेंड्स भी होती तो काफ़ी ज़्यादा सही रहता। ऑलराइट गाइस, फोटो क्लिक हो चुकी है, अब जो इसका प्रोसेसर है वो उस फोटो को प्रोसेस कर रहा है। सो वेट, लेट्स जस्ट सी, लेट्स जस्ट क्विकली वेट। सो गाइस जस्ट टेक अ लुक एट दिस थिंग इज लुकिंग इनसेन। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, गाइस जैसा कि मैंने हर्ष लिखा था सेम टू सेम वैसा हर्ष है। ये है शटर स्पीड हाई करने का फायदा, जैसे कि आप देख सकते हैं दिस थिंग इज लुकिंग इनसेन। मेरे हिसाब से आपको वीडियो देख के समझ आ गया होगा शटर स्पीड होती क्या है, एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया, मेरे पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स है मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गाइस आई थिंक दैट्स ऑल फॉर मच फॉर द वीडियो, इफ यू वांट टू मेक दिस वीडियो इन फॉर मेकिंग मी मोर काइंड ऑफ वीडियोस हिट द सब्सक्राइब बटन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।